नमस्कार दोस्तों, कल मैं जब एक क्लाइंट का पीएफ के पासबुक में बैलेंस चेक करने के लिए लॉगिन किया तो ऑनलाइन पर लॉगिन तो हो गया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ इस तरह मैसेज आने लगा, योर पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर्ड, टू चेंज योर पासवर्ड प्लीज विजिट मेंबर पोर्टल, जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो सोचा मेरा यूएन पासवर्ड एक्सपायर हो गया होगा, तो फिर मैं रिसेट करने के लिए यूएन पोर्टल पे जाके फिर मेरा अपने डिटेल्स डालने के बाद जब लॉगिन पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आधार ओटीपी के साथ ओपन हो गया। जब फिर एक बार मैं पासबुक ओपन करने के लिए ट्राई किया तो वही सेम मैसेज आ रहा है। फिर रिसर्च करने के बाद पता चला है कि हम इन दोनों में से जिसे भी पहले ओपन करते हैं अब उसी के वैलिडिटी 30 दिन वही से शुरू हो जाती है। ईपीएफओ के नए रूल के प्रकार पासवर्ड रिसेट करने के 6 घंटे बाद हमें बैलेंस पोर्टल ओपन होता है। यदि इसे हम ओपन नहीं करते तो इसकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक हम इसे एक बार लॉगिन नहीं होते, चाहे वो कितने दिन क्यों ना हो। तो एट फाइनल दोनों की वैलिडिटी लास्ट लॉगिन से ही काउंटडाउन होती है, इसलिए कभी कभी मुझे बैलेंस पोर्टल पे बैलेंस दिखाता है मगर यूएन पोर्टल पे पासवर्ड रिसेट करने के लिए कहता है। तो दोस्तों, आपको इस तरह मैसेज आए तो सिंपल आप पासवर्ड रिसेट करने के 6 घंटे बाद एक बार बैलेंस इंक्वायरी पोर्टल भी ओपन करके देख लीजिए, तब जाके इन दोनों का एक्सपायरी एक ही बार हो जाता है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।